अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों ने कॉल्स की, मैसेजेस किए और कमेंट्स भी किए हैं कि जी हमें जो है वो आप बताएं कि हम कनाडा में कैसे जा सकते हैं या यूएसए में हम कैसे विदाउट वीज़े के और विदाउट किसी जो है वो तरीके से हम बस जी कनाडा में एंटर हो जाएं, इलीगल तरीके से बताएं कि हम कनाडा का बॉर्डर कैसे क्रॉस कर सकते हैं और क्या ऐसा मतलब कि हम करें कि हम कोई एजेंट है उससे रابطہ करवा दें या हम किसी तरीके से हम अमेरिका में चले जाएं, तो हमें इसका बेहतरीन जो है वो रास्ता बताएं। तो इसमें दोस्तों बात यह है कि मैं कोई एजेंट भी नहीं हूँ और ना ही मैं इन रास्तों से आपको जाने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये जो रास्ते हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। नंबर दो, आप अपने लिए तो मुश्किल डालते हैं, अपनी ज़िंदगी की भी मुश्किल डालते हैं। उसके बाद जब आप पकड़े जाते हैं या आप अमेरिका में एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपना जो कंट्री होता है उसके लिए मुश्किल में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं आपके कंट्रीज़ के, उनके लिए मुश्किल होती है वीज़ा हासिल करने में। लेकिन फिर भी दोस्तों का इसरार इतना ज़्यादा था कि मैं मजबूर किया उन्होंने इस बात के ऊपर कि जी आप हमें मज़ीद बताएं। दोस्तों ये इतना आसान नहीं है कि आपको एक मिनट में जी मैं सब कुछ बता दूं कि ये आप करें तो उसके बाद हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। इसके लिए बकायदा आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको जाने के लिए मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। जो तो लोग पाकिस्तान से जाते हैं उनका डायरेक्ट ऑन अराइवल वीज़ा कहीं भी नॉर्थ जो अमेरिका है उसके किसी कंट्रीज़ में नहीं लगता। सबसे बात पहली तो ये है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें आपको किसी नॉर्थ अमेरिका के किसी कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल करना पड़ता है। वो ब्राज़ील भी हो सकता है, अर्जेंटीना भी हो सकता है, मेक्सिको भी हो सकता है, करेबियन जो है वो जज़ीरे हैं उसका भी हो सकता है। तो इन कंट्रीज़ में सबसे पहले तो आपको एंटर होना पड़ता है। एंटर होने के बाद फिर आगे मज़ीद टंकी लगती है और लास्ट में पॉइंट आता है कि मेक्सिको का बॉर्डर आप क्रॉस करके आप यूएसए में इलीगल तरीके से एंटर होते हैं। ये तो एक जस्ट आपको बता दिया। उसमें आपने पैनामा, ये वो अमेज़ॉन जितने भी ये जंगल हैं वो आपने क्रॉस करने होते हैं। लेकिन शार्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप इनमें साउथ अमेरिका में किसी कंट्री में आप एंटर होते हैं, उसके बाद फिर आप मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके आप चले जाते हैं वहाँ पे यूएसए में। जब आप इन कंट्रीज़ में एंटर होते हैं तो आपको आपकी सोच के लोग, आप जैसे लोग जो अमेरिका की टंकी लगाना चाहते हैं, हज़ारों की तादाद में मिल जाते हैं वहाँ पर और उन्होंने भी एजेंट किए होते हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊँगा वो एज अ लीगल तरीका होगा, सिवाय यूएसए के बॉर्डर जो है वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो कैसे आपने करना है या उसके लिए आप किस तरीके से एंटर हो सकते हैं। अगर आपको एजेंट वहाँ पे चाहिए या आपको कुछ चाहिए तो वो मैं फिर लास्ट की जो किस्त होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आप वहाँ उसमें फिर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं लीगल तरीका बता देता हूँ। आपको पाकिस्तान में बैठे हुए कोई कंट्री भी वीज़ा नहीं देगा। एक बात होता है कि आप सुबह उठें और आपने कहा जी मैंने अमेरिका जाना है और बैग पहनूं और पासपोर्ट लूं और सीधा मैं चला जाऊं एयरपोर्ट के ऊपर और वहां पे कहूं जी मुझे वीज़ा दे जी मैंने अमेरिका जाना है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो सीधी सी बात है। इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं इस चीज़ के ऊपर मानता हूँ कि 40 से 50 लाख 30 लाख भी लोग लेते हैं अमेरिका के वीज़े के लिए, लेकिन डंकी में डेफिनेटली लोग इतना पे नहीं कर सकते तो वो फिर डंकी लगाते हैं। अगर डंकी में भी उनको 30-40 लाख या 20 लाख लगाना पड़े तो वो डंकी फिर क्यों लगाएं? तो डंकी में पैसे तो लगते हैं, आप इलीगल तरीके से जाते हैं तो हमको पैसे तो लगते हैं, लेकिन उसमें आपके पैसे कम लगते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका है मैं आपको बताऊंगा कि आपने एंटर होना है ब्राज़ील में। ब्राज़ील का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन से फॉर्म आपने लेने हैं, वो कहाँ पे सबमिट करवाने हैं, कैसे करवाने हैं और आपका टोटल कास्ट कितनी आएगी वीज़े के ऊपर, आपको घर में बैठे हुए वीज़ा कैसे मिलेगा
और आप मतलब कि वीज़े के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट क्या लेने पड़ेंगे, आपको बआसानी वीज़ा कैसे मिल सकता है और कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।